हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिस गोस्वामी। मैं पिंका गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, यूं ही हमें प्यार देते रहिए आप। और आज है मेरे देवर का बर्थडे और आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे। हम जा रहे हैं मार्केट और मैं हो जाती हूँ रेडी और आपको पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या किया, कहाँ गए और कहाँ नहीं गए, बर्थडे कैसे मनाया। आप लास्ट तक बने रहिए। तो व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं मार्केट और आपको वहीं जाके मिलते हैं। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं मार्केट। अब दिखाते हैं लव गुरु की शॉपिंग और ये मुझे आज कराने वाले हैं पार्टी। तो पहले कर लेते हैं इनके लिए कपड़े की शॉपिंग, फिर मिलते हैं। पहले दे देते हैं हम केक का ऑर्डर। जो हम केक बनवाते हैं वो यहाँ से बनवाते हैं। देखो, ओह बेटा, ओह बेटा, नमस्ते, कैसे हैं? केक बनवाना था। कितना बनाना है? ये है पिज्जा जोन। अब ले लेते हैं लव गुरु के लिए कपड़े। ये भी ठीक लग रहा। मेरे हो गए गोलगप्पे, अब लव गुरु के बच्चे। पहुंच गए दादा के पास। दादा नमस्ते। चौकास टंटड़ा। मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूं गाइस। ये देखो गाइस, कौन है? नवी पार्टी का भैया। इनको बहुत बहुत बधाई। चलो ठीक है, बाय बाय। और बॉबी जान, बस बढ़िया यार। देखो गाइस यहाँ पे कितना मस्त है। महादेव, देवों के देव महादेव, आई लव महादेव। भैया बताए आपको गाइस, एक यूट्यूबर है भैया, अपने चैनल का नाम बताओ। एसबीके ब्लॉगर। उसमें क्या डालते हो आप? फनी वीडियोस आती है उसमें। गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी और मैम को भी सपोर्ट करो। और अगर किसी को किराए में सॉरी रेंट पे वो चाहिए कैमरा, वो भी मिलेगा। बहुत मज़ा आ गया। आप भी आना यहाँ पे और फोटो खींचने के लिए बड़ा मस्त है अंदर। भैया से पूछ लेते हैं, भैया आप अपना एड्रेस दे सकते हो? बिल्कुल जरूर। फैमिली फास्ट फूड गोरखपुर रोड चंपावत में आपका स्वागत है और प्लीज आइएगा और सेवा अवसर दीजिएगा। थैंक यू। तो गाइस बहुत अच्छी, मतलब यहाँ सर्विस भी है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ कितना मस्त है यहाँ। बुबू लोग भी आए हैं, देखो। हेलो बुबू। हाँ धन्यवाद। देखो ये मेरे देवर थार दिखाओ, थार थार बच्चे। ये गाइस फोटो खींचने तो जरूर आ जाना। चलो फिर चलते हैं। आंटी नमस्ते। हमारा केक बन के रेडी हो गया है गाइस, भी ले लिया है गाइस। देखो बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से जाना क्योंकि माँ ही घर पे नहीं है और माँ ही घर पे नहीं होते हैं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे जाना पड़ता है कभी कभार पैदल। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है हमारा घर मार्केट से,
और माई होते हैं तो मैं बाइक में या गाड़ी वाड़ी में चली जाती हूँ, अदरवाइज वैसे नहीं जा पाती। भैया आखिरकार मान ही गए, देखो गाइस क्या मस्त। भैया ये क्या है वैसे? जानबूझ के बनाया है? कर ली हो जाएंगे, जट्टे बना रहे ना, कर ली करने के लिए। चलो ठीक है, बहुत मस्त लग रहे हो भैया एकदम। चलो धन्यवाद। हाँ वैसे मैं दूर से बना रही थी, आप मेरे सामने आ गए। चलो ठीक है गाइस, गाड़ी पता नहीं कब आएगी। लव गुरु को भेज दिया है गाइस मैंने, क्या लेने के लिए? एपी। घर की रोड ये है, इस रोड से जाना है हमको। और मैं बैठी हूँ यहाँ, अभी बैठे हैं कहीं चैन से। जाना तो है नहीं, हम बेसब्रों का कोई ठिकाना तो है नहीं। यार पता है माही की बहुत याद आ रही है मुझे। ये पता है अपनी मम्मी को प्रॉमिस करा है ना, जब मैं नानी मत्ता गई थी तो मेरी मम्मी ने बोला था ना, ये चूड़े उड़े खाली लेते हो तुम लोग। तो मम्मी बोली क्यों लेते हो जब पहनते ही नहीं हो। तो मैंने बोला मम्मी इस बार तो जब तक मेरे से हो सकेगा मैं पहनूंगी। और गाइस मुझे नानी मत्ता से आए हुए एक हफ्ता हो गया, परमानेंटली पहने हैं मैंने। गाड़ी मिल गई है, है ना हेलो गाड़ी। तो सर मैं आ गई हूँ, अब मुझे करना है खाने का इंतज़ाम, कर लेती हूँ खाने का इंतज़ाम। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज, बहुत ज़्यादा। अगर वो होते तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, मिलते हैं आप सबको बाद में। सो गाइस हमने कर ली है डेकोरेशन, पापा और मैंने करी। देखो पापा ने तो पता नहीं कौन सी बार करी होगी, मैंने फर्स्ट टाइम करी है। अब थोड़ा सफाई कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। डेकोरेशन तो कुछ ऐसी है, माही की कॉपी करी है मैंने। गाइस पापा डीजे का इंतजाम करें ना पापा। ओ भगवान, हर साल एक बर्थडे जल्दी आ जाओ, सुख शांति दिया ये घर में। अभी साथ साथ मेरे नंदिना का सा बका बचा रखा, ये दिन जल्दी आ जाओ। दान है दिया तुम दे दे पार है जो। ठंडा लग रहा है क्या? सो गाइस झाड़ उन्नो मास्क सेक रहे, दादा भी सेक रहे, भाभी जान आ गई है बट इनके देवर नहीं है यहाँ। माई नहा रहे हैं, पौधन भी गिर गए। माही कहाँ है? होश नहीं है? आता है वही ताई बदनाल पे। कहाँ हुआ? ये कौन है? अच्छा ताई जी भी है। मैं कह रही हूँ बच्चा कौन सा ताई जी। कितने मस्त। हेलो गाइस को कबूतर तो काटने आने ऐसे यहाँ बैठ जाओ कमू, ये बैठ कर बैठ जाओ। दिल की गाय खत्म है ना हमने। पैर भी छूने पड़ते हैं। हाँ तुम हूँ लाते इतनी लंब नाग भाई कहाँ चेचा। अरे तल्ली डे चला इतनी योर योर डे लोगों ने नाग डकोडे लोगों नहीं करे यो उठे यो तक के ना ना मेरे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear love guru, happy birthday जी राहुल मुझे। वाह ये पापा के लाडले लड़के को happy birthday। पापा का लाडला लड़का है वो। पापा खुश हो गए। बहुत
अरे फोन तो हटाओ थोड़ा सा। ये कुछ कहना चाहोगे आप अपने 17 साल की उम्र की हो चुके हो? अब नहीं लौंडिया पटाएंगे, शादी करेंगे बस। गाइस So guys, जैसे कि आपने देखा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और अब मैं व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। नहीं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पनीर बनाया। तो गाइस ये है पनीर। ओके, ये देखो कितना मस्त पनीर है। माही को भी बहुत अच्छा लगता है पनीर। माते जा रही हैं रोटी बनाने। बाय बोलो। बाय, आप भी रोटी खाने आ जाना। वीडियो को सब बार क्या कहती हूँ मैं, सरप्राइज कहती हूँ, इस बार सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी मुझे कुछ। सो गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप, मुझे मालूम है आप सभी लोग मेरे देवर को हैप्पी बर्थडे बोलोगे और उनकी तरफ से थैंक यू सो मच। और आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और मैं जल्दी से नया व्लॉग या नया डांस कवर आपके बीच लेके आऊँगी। लव यू गाइस। ये देखो मेरे पति देव।